आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच में सियासी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस नेता भागवत के दौरे की वजह भाजपा की अंदरूनी खटपट बता रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी संघ प्रमुख के दौरे से कांग्रेस को भयभीत बता रही है। संघ प्रमुख भागवत 15-16 अगस्त को प्रदेश के 2 दिवसीय प्रवास पर आ रहे हैं। इस दौरान वे अनुसांगिक संगठन के पदाधिकारी से आगामी कार्य योजना को लेकर चर्चा करेंगे। इस बीच बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सत्ता गंवाने के बाद क्या बीजेपी को संघ प्रमुख का यह दौरा मजबूती दे सकेगा? क्या संघ राज्य में अपने विस्तार की कोई नई रणनीति पर मंथन करेगा और इस मंथन का असर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पर कितना और किस हद तक होगा? आज इस अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही बात करेंगे मध्य प्रदेश की भी, जहां कांग्रेस का एक बड़ा वादा बेदम साबित हुआ है और अब वो ट्रोल हो रही है। दरअसल 5 महीने पहले सत्ता गंवाने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक ट्वीट कर कहा था कि 15 अगस्त को कमलनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी भी लेंगे, लेकिन अफसोस ऐसा हो न सका। एक दिन बाद ध्वजारोहण जरूर होगा, लेकिन उसे कमलनाथ नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान करेंगे। हालांकि सवाल यह है कि आखिर सत्ता गंवाने के बाद प्रदेश कांग्रेस ने इतनी बड़ी बात कही कैसे, इसका आधार क्या था? वहीं अब देखना यह भी है कि क्या अगले साल यानी 2021 में जब 26 जनवरी आएगी तो क्या उपचुनाव की जंग जीतकर कमलनाथ के बतौर मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करने वाले सपने को कांग्रेस साकार कर पाएगी या हालात अभी की तरह ही रहेंगे, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं, जहां गुटबाजी का गणित है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत 15 और 16 अगस्त को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। भागवत का यह दौरा बीजेपी के लिए अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि संघ प्रमुख अपने इस दौरे पर तमाम मुद्दों पर मंथन करने के साथ प्रदेश में बीजेपी की कमजोर पड़ चुकी जमीन को मजबूत करने के लिए भाजपाइयों को मंत्र भी देंगे। हालांकि कांग्रेस भागवत के दौरे को लेकर विपक्ष की गुटबाजी को उछाल रही है। सत्ताधारी दल के मुताबिक बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए संघ प्रमुख छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। भागवत के प्रदेश दौरे को लेकर कांग्रेस ने कुछ सवाल भी उठाए हैं। चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। आइए इसके पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। संघ प्रमुख के छत्तीसगढ़ दौरे से सियासी गलियारों में क्यों मची है खलबली? मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा बीजेपी कांग्रेस के बीच क्यों बना है सियासी रार का कारण? आरएसएस प्रमुख का दौरा क्या बीजेपी को दे पाएगा संजीवनी? ये वो बड़े सवाल है जो कि इन दिनों प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियों को हवा दे रही है। दरअसल मोहन भागवत का दौरा उस वक्त हो रहा है जब अयोध्या में राम मंदिर के जवाब में सूबे की भूपेश सरकार ने राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या के नाम पर मंदिर बनाने का ऐलान किया है। भूपेश सरकार रामबन गमन पथ को टूरिस्ट सर्किट के तौर पर विकसित कर रही है। गोबर की खरीदी के साथ गौ सेवा को लेकर कांग्रेस सरकार की नीतियां बना रही है। ऐसे परिदृश्य में संघ की रणनीति क्या होगी जिसके बूते राज्य में बीजेपी की कमजोर होती जमीन को मजबूत किया जा सकेगा? इन तमाम मुद्दों पर 2 दिवसीय बैठक में रायशुमारी होगी। हालांकि भागवत के दौरे पर कांग्रेस की बहुत तंग है। कांग्रेस का कहना है कि अयोध्या श्री राम मंदिर का श्रेय लेने वाले संघ प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ की कौशल्या माता के सालों साल के कारावास पर कुछ कहेंगे। भागवत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कामकाज पर क्या कहेंगे? कांग्रेस के मुताबिक संघ प्रमुख इसलिए छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस के इस बार पर विपक्ष ने भी जोरदार पलटवार किया। मोहन भागवत जी का ये प्रवास सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की जो दुरावस्था है उसके कारण हो रहा है। भागवत जी को भाजपा के 15 साल के शासनकाल में गौशालाओं में हुए करोड़ों के घोटाले, भ्रष्टाचार और हजारों गायों की जो गौ हत्या हुई रमन सिंह के सरकार में, उस पर भी भाजपा से जवाब तलब करना चाहिए। मोहन भागवत जी का प्रवास उससे ना बीजेपी को लेना देना है, ना कांग्रेस को लेना देना चाहिए, ना कांग्रेस की सरकार को लेना देना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को
शायद संघ के सरसंघचालक जी का दौरा होने पर उनमें भय पैदा हो गया, इसके प्रतिक्रिया व्यक्त करें। बहरहाल मोहन भागवत के दौरे पर कांग्रेस की सियासत के अपने एजेंडे होंगे, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे के बाद गुटबाजी से जूझ रही बीजेपी क्या स्थिर हो पाएगी, संघ प्रमुख के दौरे से क्या बीजेपी में कोई बदलाव आएगा या कहानी वही पुरानी रहेगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। तो गुटबाजी का गणित आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता राजन तिवारी जी हैं। तिवारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी हैं, श्रीवास्तव जी आपका स्वागत है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर रूपेश गुप्ता जी हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, आप दोनों का भी स्वागत है। चलो तो संजय जी, सत्ता का त्याग क्या किया आपने, हमारा भी त्याग कर दिया, आने बंद कर दिया आपने। नहीं ऐसा नहीं है त्रिपाठी जी, आपसे तो इतना है और ये जरूर है कि आशीष जी भी सुन रहे होंगे तो मनोज जी भी सुन रहे होंगे, अनुभव रहेगा। अब जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ गई सभी चैनलों में, इस वजह से ये सब चीजें हो जाती है, लेकिन आगे आपको किसी प्रकार की कंप्लेंट नहीं मिलेगी इस बात का। अरे वादा करके भी नहीं आते, कल आपने वादा किया था फिर भी नहीं आए। चलिए नहीं कल तकनीकी प्रॉब्लम थी, मैं घर में हूँ तो वो थोड़ा इस टाइप का कुछ विषय आ गया था। चलिए कोई बात नहीं, आते रहिएगा। तिवारी जी आपको मेरी आवाज आ रही जी? तिवारी जी आवाज आ रही मेरी? आ रही जनाब। आप अपने चैम्बर में बैठे हैं? जी हाँ आ रही है त्रिपाठी जी, नमस्कार जी। नए चैम्बर में है कि घर में है? हाँ खादी ग्रामोद्योग से, क्योंकि इनका ये कहना था मैं तो आपके जी फरमाइए जी। हमने कहा कि आप अपने चैम्बर में हैं, वहाँ खादी ग्रामोद्योग का जो विभाग है। नहीं अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ मैं वहाँ से, 5 बजे के करीब आया त्रिपाठी जी। जी 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 काम संभाल लिया है, काम काफी बड़ा है, जिम्मेदारी भी बड़ी है, मगर आप जैसे मित्रों के कारण सफलता पक्का मिलेगी। अरे बिल्कुल साहब, हम तो आपके लिए यही कहेंगे कि शर्त लगी थी खुशी को एक अल्फाज में लिखने की, लोग किताब ढूंढते रहे और हमने राजन तिवारी लिख दिया। चलिए तिवारी जी क्या बात है, हालांकि वो जी 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 चलिए नहीं तो अब कुछ शेर याद आ। हाँ बोलिए जी, सवाल पूछ। 3/4 आपका बहुमत है, उस बीजेपी 14 में सिमट गई है, उसके बाद भी आप बोलते हैं कि गुटबाजी गुटबाजी गुटबाजी। अरे गुटी कितना बचा, 14 लोग बचे हैं तो गुट कहाँ से। मोहन भागवत जी एक सामान्य प्रक्रिया के दौरान पूरे देश में अपनी यात्रा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि भाई बीजेपी में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है इसलिए वो उसको ठीक करने आ रहे हैं। ठीक ठाक नहीं चल रहा था तभी तो 14 में सिमट गए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और फिर मैं तो मृत घोड़े पर वैसे भी चाबुक नहीं मारता हूँ। आपने ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ अस्त व्यस्त और ध्वस्त अवस्था में पड़ी हुई है, और मोहन भागवत जी के दौरे से अगर उनमें कुछ संजीवनी कुछ जान आने का प्रयास होता है तो अच्छी बात है, बुरा क्या है। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिलाध्यक्षों की घोषणा नहीं की, नगर निगम रायपुर जहां से मैं बात कर रहा हूं वहां विपक्ष का नेता अभी तक नहीं बना है, तो ठीक है वो उनका एक कार्यक्रम रहता है हर 2 या 3 साल में जहां तक मुझको याद आता है, वो पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया करते हैं और आएंगे तो मेरे को लगता है कि वैसे तो वो सामान्य रूप से वही बात बोलते हैं जो आरएसएस की बात होती है, जो बोलना भी चाहिए, सरसंघ चालक है और यह भारतीय जनता पार्टी की अभिव्यक्ति होती है, मगर कभी कभी जनाभिव्यक्ति भी होती है, देश के लोगों की बात भी बोला करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले उनकी उनकी शाखा ने जाकर के भूपेश बघेल जी का स्वागत किया कि बड़ा शानदार अभियान आपने प्रारंभ किया है गोबर खरीदी का, जो अभिनव कार्य है पूरे देश में अनूठा है। तो और फिर मैं अभी सरसंघ चालक को भी एक जगह सुन रहा था जिसमें उन्होंने अच्छी बात कही है, देखिए मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, कहा ना कि जनाभिव्यक्ति होती है कभी कभी, देश की जनता की बात कही उन्होंने कि अभी तो कोई युद्ध नहीं चल रहा है, इसके बाद भी सीमा पर हमारे जवान क्यों मारे जा रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं हमसे कोई गंभीर गलती हो रही है, ये उन्होंने भाषण देते हुए कहा।
तो ऐसी ही कोई अच्छी बात जो जनाभिव्यक्ति को मुखरित करे और इस तरह से उसकी प्रस्तुति हो तो हम लोग उसकी प्रतीक्षा करेंगे। कहीं बीजेपी कह रही है कि आप लोग भयभीत हैं, अगर बीजेपी में अगर गुट है, एक गुट सारे एक साथ हो जाएंगे तो आपको परेशानी हो जाएगी, उसी भयभीत जो है आप लोग, उसी कारण 15-15 संसदीय सचिव सारे चेयरमैन, अभी कल ही कह रहे थे केदार जी की 100 चेयरमैन बनाने वाले हैं। आप कह रहे थे कि 100 चेयरमैन का तो स्थान ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तो ये खासियत होती है ना, अतिरंजित बात करना, मिर्च मसाले लगा करके कहना, और झूठ को कैसे सच के ढंग से प्रस्तुत किया जाए वैसा कहना। 100 तो अध्यक्ष नहीं है जनाब, कहां से 100 अध्यक्ष बना देंगे। हाँ ये जरूर है कि हम अपने उन साथियों को जिन्होंने 15 वर्ष तक संघर्ष किया भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जेल गए, सड़कों पर डंडे खाए और हर तरह की यातनाएं सही, तो ये हमारा नैतिक दायित्व तो होता है कि हम उनको कम से कम कुछ स्थानों पर तो सम्मानित करें। तो कैसे नहीं हो सकते 100? और 20 महीने तो कुछ नहीं किए तिवारी जी, 100 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, फिर संसदीय सचिव, उसी तरह सीधे सीधे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, 100 क्या, 200 हो सकते हैं, 150 हो सकते हैं साहब। हाँ अब वो तो रबड़ जैसा खींचा जाए तो फिर तो किसी भी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है, मगर मैं संवैधानिक पद की बात कर रहा हूँ। जी। चलो संजय जी, तिवारी जी ने कुछ कहा नहीं लेकिन बहुत कुछ कह दिया, और उस कहने के बाद मैंने उनसे सवाल भी किया कि भयभीत हैं आप लोग क्या। खैर छोड़िए इन मुद्दों को, ये बात भी सही है, कहीं ना कहीं अंदर खाने से ये बात आती है कि बीजेपी में ये स्थिति हो गई, उसके बाद भी अभी कुछ कुछ गुटों में बटी हुई है, हम नाम नहीं लेंगे, आप बेहतर समझते होंगे। तो क्या निश्चित तौर पर अनुसांगिक संगठन है संघ का भारतीय जनता पार्टी, तो कुछ न कुछ नसीहत तो दी जाएगी, उससे क्या हालात सुधरेंगे? हमारे सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी का आगमन जो है 15-16 तारीख को जी, और विशेष रूप से आप भी जान रहे हैं राजेंद्र तिवारी जी ने जिस बात को कहा कि उनका प्रवास पूरे देश के अंदर में चलता है, पिछले दिनों आपके ही मध्य प्रदेश और मालवा की बैठक संपन्न हुई है जी, 16 तारीख को यहाँ पर छत्तीसगढ़ और महाकौशल की बैठक होगी जी। देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पहले समझने की आवश्यकता है, हम इस बात को मानते हैं कि पैतृक संगठन है, उनके जो आदेश होते हैं, उनकी जो भावनाएं होती है, उनको हम राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाते हैं, उसको स्वीकार करने में कहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन मूल रूप से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम जो है वो अनुशासन है, आपको मालूम है चरित्र प्रशिक्षण है, भारतीय संस्कृति और नागरिक समाज, सामाजिक समरसता की स्थापना, इन विषयों पर सभी जो विभिन्न आनुषांगिक संगठन है जिनके साथ में उनकी बैठकें होंगी, इन विषयों पर और जो ज्वलंत जो मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, राष्ट्र के मुद्दे हैं, जैसे उन्होंने कहा चर्चा हो सकती है, उन्होंने पॉलिटिकल रूप से बीजेपी पर हमला करने की कोशिश की क्योंकि चिंतन कांग्रेस की फितरत में नहीं है जी। ये चाइना से कांग्रेस पार्टी वहां की सरकारी पार्टी के साथ में क्या कॉम्प्रोमाइज करती वो हम नहीं जानते, वो एग्रीमेंट क्या करते हम नहीं कहते, लेकिन हाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन इस बात को दूर करते हुए कि किसकी सरकार है, किसकी सत्ता है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन देश हित में चर्चाएं लगातार होती हैं और देश हित में क्या बेहतर हो सकता है इसकी गाइडलाइन कहीं ना कहीं हम सबको मिलती है। और आप इस बात को भी जानते हैं कि भारत और विश्व की जितनी भी सांस्कृतिक पहलू हैं उस पर भी लगातार कुछ ना कुछ बौद्धिक चर्चाएं हमेशा से होती रहती हैं, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बड़ा विषय है और एक बड़ी सोच है, कुछ सोच के साथ में इस तरह की बैठकों का आयोजन होता है, और जो उन्होंने अभी राजेंद्र तिवारी जी ने कहा वरिष्ठ नेता है, अभी तो वो चेयरमैन बने हैं, अच्छा है, जो आपने भी कह दिया कि 100 हो गए कि 150 हो गए 200, कांग्रेस पर मैं भी आज मूड में नहीं हूं कि बहुत ज्यादा हमला करने की कोशिश में, लेकिन हाँ क्योंकि मोहन भागवत जी आ रहे हैं तो ये उनका जो प्रवास है निश्चित रूप से जितने भी आनुषांगिक संगठन है उन आनुषांगिक संगठन के जो कार्यक्रम है आने वाले समय के अंदर में जो कार्यक्रम है 1-2 साल के उसको एक दिशा मिलेगी और उस दिशा में हम बेहतर तरीके से काम करेंगे, जो राजनीतिक दल के नाते बीजेपी को भी विपक्ष के तौर पर क्या ये दिशा भी मिलेगी कि आपस में जो ईगो है आप लोग उसको छोड़ दें, पार्टी को आगे बढ़ाएं, जो स्थिति पहुंच गई है
उसको आगे लाएं। देखिए त्रिपाठी जी, मैं तो स्वीकार करने वाला आदमी हूँ जी, राजनीति में थोड़ी बहुत गुटबाजी होती, इसमें कहीं दिक्कत की बात नहीं है जी। ये कांग्रेस जो 15 साल तक विपक्ष में रही, किस तरीके की सिर्फ उटव्वल रही जी, वो कम से कम सत्ता या विपक्ष के समय बीजेपी में नहीं होती है, नहीं दिखेगी आपको। ठीक है, हमारा मत मतांतर होगा, मतभेद होगा, मनभेद नहीं है, उसमें हम अपनी अपनी बातों को रखेंगे, मैं कुछ चाहता हूँ, सामने वाला कुछ चाहेगा, लेकिन कांग्रेस की तरह हम नेताओं में, क्योंकि हम नेता आधारित पार्टी नहीं है, हम संगठन आधारित पार्टी है, इसलिए उस पर भी चर्चाएं होती है, ऐसा नहीं है। और निश्चित रूप से 15 साल हम सत्ता में थे, बहुत सारे हम लोगों ने काम किए, कुछ कमियां रह गई, और फिर से एक बार आप देखेंगे कि संगठन में इतनी बड़ी ताकत है, इतने आनुषांगिक संगठन है, जो दिशा निर्देश है 2 साल निकल गए। संजय जी, अभी संजय जी मैं आपको उस ओर लाना चाह रहा हूँ, अभी जो पिछले हम 3-4 महीने में जो अलग अलग नेताओं के बयान पढ़े, एक कोई नेता राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी कह देते हैं कि बस कुछ ही दिन की सरकार है, बस गिरने वाली है, ये इस तरह के जो बयान है, क्या ये पार्टी के संगठन, अरे नेता प्रतिपक्ष बोले, अध्यक्ष बोले, पूर्व मुख्यमंत्री बोले, तो ये कहीं एक वाजिब लगता है, लेकिन कहीं से भी फिर दूसरी तरफ बीजेपी के लोग उसको संभालने का प्रयास होता रहता है इनकी पार्टी में जी। देखिए ऐसा है कि जो अधिकृत है उसी को मान्य माना जाता है, इस बात को हम, क्योंकि पार्टी लाइन यही है। हाँ, लेकिन गैर अधिकृत लोग भी बोल रहे हैं, इसीलिए बात ये उठ रही है कि ठीक नहीं चल रहा है, गुटबाजी चल रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है त्रिपाठी जी, देखिए उसको भी संज्ञान में लिया जाता है जी। और चूंकि जिस पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी है जी, उसकी करतूत और उसकी कृति ही कुछ ऐसा है जी, कि हम तो 15 साल बहुत अच्छे तरीके से चलाए सरकार को जी, ये तो 19 महीने 20 महीने के अंदर में जी, इस सरकार के अंदर में इतनी सिर्फ उटव्वल है, इस सरकार का कोई विजन नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, वित्तीय प्रबंधन कुशासित हो गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल तो खड़ा होगा। और आज बीजेपी का नहीं, इस प्रदेश का हर एक व्यक्ति सरकार पर सवाल खड़ा करना चाहता है जी। और आपने जो कहा ना, यहाँ पर वही चालू हो गया बंदरबाड़ जी। आप 100 की बात कर रहे थे, संसदीय सचिव पर सवाल करने वाले लोग, यदि बीजेपी में 11 संसदीय सचिव थे, ये कोर्ट जाते थे, लेकिन इन्होंने 15 संसदीय सचिव बना दिया। निगम मंडलों की बात तो आपको भी याद होगी, जब सरकार बनी थी तो इन्होंने कहा था कि घाटे के नगर निगम मंडल जो है उस पर हम नियुक्ति नहीं करेंगे, लेकिन सभी प्रकार की नियुक्तियां उसमें भी हो रही है। पुनिया जी 3 बार आ गए, कहीं समन्वय नहीं हो रहा है, सब नेताओं की अपनी अपनी लिस्ट है, तो कुल मिलाकर बंदरबांट जो कहना चाहिए, अपने लोगों को उपकृत करने का काम 19 महीनों के अंदर में चालू हो गया, क्योंकि लोगों को लग गया, कांग्रेस के कार्यकर्ता विधायकों को भी लग गया है कि शायद 2023 के अंदर में सरकार शायद वापस नहीं आए, इसलिए इसी कार्यकाल में जो कुछ मिलना है इसको ले लो, इसलिए हर एक व्यक्ति यहां पर हमला करने के लिए तैयार है सरकार पर। मतलब 2023 तक चलेगी ना, ये स्वीकार कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, ये देखिए क्या है, ये जो कांग्रेस की सरकार है, सुनिए, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, ये तो अपने कर्मों का कारण गिरती है ना सर। हाँ, नहीं यही पूछ रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं 2023 तक चलेगी, मतलब आपके एक राष्ट्रीय पदाधिकारी ने गलत बयानबाजी की थी। त्रिपाठी उसको समझिए, मेरे को कहीं दिक्कत नहीं है, विश्वास है, लेकिन ये अपने कर्मों के कारण यदि गिर जाए, जैसे मध्य प्रदेश में जो राजस्थान में हालत है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, हम बहुमत का सम्मान करते हैं, लेकिन ये अपने सिर्फ फुटबॉल में गिर जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते इसके लिए। धीरे से आप धीरे से उसको पिंच करते हैं, राजस्थान में आपने पिंच किया, लेकिन जवाब तो समझ में आया कि नहीं हो पा रहा है, गणित पूरा नहीं है, संख्या बल नहीं है, तो आपने छोड़ दिया उनको अचानक सर। अरे साथ देना था तो दीजिए, सचिन पायलट का देते नहीं, रहते नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, सचिन पायलट जो नेता है, स्वर्गीय राजेश पायलट के बेटे हैं, परिपक्व है, नेता है, बहुत पुराने नेता है, माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य, ये बहुत पुराने लोग हैं, इनको बताने की आवश्यकता नहीं, ये स्वयं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से संतुष्ट नहीं है जी। और उसी का दुष्परिणाम था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर ये स्थिति बनी, और कमोवेश जो बंदरबांट अभी चेयरमैन और निगम मंडल संसदीय सचिव, मेरे को ये बताइए, आपने भी सुना था कि निगम मंडल पहले होने वाला है, अचानक निगम मंडल रोक के संसदीय सचिव बना दिया जाता है 15 ठो, पहले कहते हैं कि विधायकों को निगम मंडल नहीं देंगे, फिर 5-7 विधायकों को दे दिया गया, फिर अभी 5-7-8 विधायकों को फिर देने वाले हैं। अरे उनकी सरकार बनी है, जनता ने 3/7 बहुमत दिया है, वो बनाएंगे, आपको क्यों परेशानी हो रही? अरे हमें परेशानी नहीं सर, हम तो विपक्ष के नाते जो चीजें हैं वो आपसे चर्चा कर रहा हूँ मैं, इसलिए कुछ भी हो सकता है जी। चलिए रुपेश जी, थोड़ा सा हम इस मुद्दे पे आपसे जानना चाहेंगे कि
जो कांग्रेस कह रही है कि गुटबाजी ठीक ठाक नहीं है, कांग्रेस कहने की क्या जरूरत है एक तो, क्योंकि ऑलरेडी वो तीन चौथाई बहुमत। अच्छा, सारी रामायण संजय श्रीवास्तव जी से ही सुन लेंगे कि कुछ भागवत मुझसे भी सुनेंगे? त्रिपाठी आपसे सुनेंगे साहब, रूपेश जी से थोड़ी सी बात कर ले, हमारे रमेश जी की टिप्पणी ले ले, ये भी संघ के बारे में बहुत जानते हैं, आपके मित्र होंगे रमेश जी, बहुत पुराने जब आप मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ हुआ करता था। तो संघ के बारे में तो मैं बहुत जानता हूँ, आद्यो पान विजयादशमी 1925 से जब जन्म हुआ तब से लेकर के अभी तक। खैर चलिए, आप पूछिए रुपया जी। कैंप भी अटेंड कर लिया है क्या आपने, 3 साल वाला? मैं बहुत दूर रहता हूँ प्रभु, अब जाने दीजिए, उसकी व्याख्या करूंगा तो संजय भाई को बुरा लग जाएगा, संजय भाई को बुरा लगेगा। मैंने जो अभी एक देशभक्ति वाला शब्द इस्तेमाल किया, देशभक्ति वाला शब्द संजय जी ने इस्तेमाल किया ना, तो ये देशभक्ति वाली बात ये जब करते हैं या देश के सम्मान की बात करते हैं या राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो मेरे जैसे आदमी को जो थोड़ा पढ़ने का आदि है थोड़ी हंसी आती है कि आजादी की लड़ाई से लेकर के आज तक एक एक दृष्टांत अगर बताऊंगा, एक आध घंटे का समय रखिएगा थोड़ा सा, केवल आरएसएस के ऊपर रखिएगा, ताकि एक एक दृष्टांत बताऊं मैं कि कहां कहां पर किस तरह से अंग्रेजों की दलाली का काम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने किया है और किस तरह से महात्मा गांधी की हत्या में इनका हाथ रहा है सप्रमाण। ऐसा नहीं कि हवा में बात करूंगा, सप्रमाण किस तरह की जो इनके हमारे पहले पूछ नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में, उसकी विशद व्याख्या करूंगा मैं। चलिए अभी तो एक आध घंटे का अभी तो आ रहे हैं ना, तो चालक संदर्भ में केवल इसी मामले में रखवाइएगा थोड़ा। और देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए किस तरीके से धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ था, इस बात को भी कांग्रेस के नेता अच्छी तरीके से जानते हैं। चलिए रूपेश से बात कर ले, देश का विभाजन, इसीलिए बोला ना मैंने कि मेरे को बैठा लिया आप इनके साथ, द्विराष्ट्र की परिकल्पना, और सबसे पहले अगर दो राष्ट्र की बात अगर किसी ने किया था तो विनायक दामोदर सावरकर ने 1938 में किया था, और ये कहा था कि इस देश में दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमानों का, इसके प्रणेता और आप त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरी बात की पुष्टि कीजिए। मुद्दा कहीं और जा रहा है, मुद्दा के पहले उठाने वाले 11 बार माफी मांगने वाले सावरकर ने कहा था। तिवारी जी मुद्दा कहीं और जा रहा है, मुद्दा कहीं और जा रहा है, संजय जी मुद्दा कहीं और जा रहा है। हाँ, तो मैं मुद्दा तो नहीं, वो जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो मैंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की चर्चा हो रही, जरा समझ के चर्चा करें जी। रुपेश जी, आखिर क्या वजह है, कांग्रेस सत्ता पक्ष में है, विपक्ष वार करता है लेकिन सत्ता पक्ष वार कर रहा है बार बार, और मोहन भागवत जी की यात्रा को लेकर भी वार कर रहा है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, सारी लड़ाई नैरेटिव की लड़ाई है, इसको दो तीन तरीके से देखना पड़ेगा। दरअसल यहाँ की जो सियासत है वो एक भाजपा के राम बनाम कांग्रेस के राम, और कांग्रेस के राम के साथ कौशल्या जो कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता और उसकी मान्यताओं से जुड़ा हुआ मसला है जी। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी राम मंदिर का चूंकि मुद्दा रहा है तो उसके बनिस्पत इसको खड़ा करने की कोशिश कर रही है जी। और जैसा भाजपा के नेता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि आरएसएस राजनीतिक नहीं है बल्कि भाजपा के लोग राजनीतिक पार्टी हैं जो फॉलो करते हैं, लेकिन कांग्रेस की कोशिश है कि इस दौरे को कैसे राजनीतिक बनाया जाए, कैसे इसके राजनीतिक मायने निकाले जाएं, जनता के बीच में नया नैरेटिव सेट किया जाए, इसी को लेकर के कांग्रेस की लगातार कवायद चल रही है। और अगर भाजपा की ओर से ज्यादा रिएक्शन आएंगे तो कांग्रेस अपने जो राजनीतिक चाल है उसमें कामयाब होगी। और तीसरी बात, दो भारतीय जनता पार्टी जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो शायद कांग्रेस में हालांकि ये ज्यादा ओपन है, भाजपा में अनुशासन के नाम पे ये बात दबी रहती है कि नेताओं के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो बाहर नहीं आ पाते हैं, लेकिन जब कोई पार्टी सत्ता से बाहर जाती है तो ये कॉन्फ्लिक्ट बनिस्पत बेहतर नजर आते हैं। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर सत्ता को लेकर के, पार्टी के सत्ता को लेकर के संघर्ष चल रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस उसको बार बार बोल करके पब्लिक परसेप्शन में ये बात को लाना चाहती है, जो तीन बातें इस मोहन भागवत की यात्रा से जुड़ी हुई हैं जो मुझको लगती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और बाकी आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे दोनों ही पार्टियों से, जाहिर तौर पर जितने आरोप प्रत्यारोप होंगे
उतनी ही यात्रा राजनीतिक होगी। नहीं, हम यह पूछना चाह रहे हैं कि मतलब चल तो रहा है पार्टी के अंदर की सत्ता को लेके, मैंने इशारा किया था संजय जी को, उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया एक तरह से, कि भाई एक संगठन के अंदर बैठ के, अनुसांगिक संगठन है संघ का, लौहबद्ध लौह कवच वाली पार्टी है, कैडर बेस पार्टी है, ऐसे में सबको बयान देने का अधिकार पार्टी नहीं देती है, जो बयान दे सकता है वही देता है, और बार बार इस तरह से बयान आ जाते हैं, सरकार अब गिरी तब गिरी, दूसरा गुट कुछ शांत बैठ जाता है, एक गुट कहता है गिर रही, तो ये सब चीजें तो कुछ कुछ गड़बड़ तो दिख रहा है ना पार्टी के अंदर। जी हाँ, जाहिर तौर पे देखिए, आप भाजपा कांग्रेस दोनों की बात की जाए तो दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है जी, और ये राजनीतिक चर्चाओं में, राजनीतिक गलियारों की चर्चाओं में लगातार ये बात आती रही है जी। आपको याद होगा कि सबसे पहले हमारे ही चैनल ने ये, जब सीएम नहीं बने थे भूपेश बघेल, तब हमने ब्रेक किया था कि दोनों नेताओं के बीच में ऐसी चर्चा है कि ढाई ढाई साल का कार्यकाल होगा, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है जी। लेकिन दोनों के जो समर्थक हैं, चाहे वो टीएस सिंहदेव हो चाहे भूपेश बघेल, इस बात को लेकर के ओपनली बयान नहीं देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें होती हैं। खैर, जो दूसरी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो बृजमोहन खेमा और रमन सिंह का खेमा बहुत प्रोमिनेंट है। जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो बहुत सारे खेमों में बटी हुई थी, अलग अलग नेता थे, उनके फॉलोवर्स थे, ये कहीं सही कह रहे हैं कि कैडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन वो कैडर किसी न किसी नेता के साथ एसोसिएटेड होता है और वो रिफ्लेक्ट भी होता है। तो आज की स्थिति में दो प्रोमिनेंट पिलर रह जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, एक डॉक्टर रमन सिंह और दूसरा बृजमोहन अग्रवाल। वो खेमा किधर है? आपसे 30 किलोमीटर दूर जहां से, जिस किले से मुख्यमंत्री जी आते हैं, वो खेमा किधर है? देखिए, वो खेमा एक ऐसा खेमा है जिसकी एक राजनीति सीमित क्षेत्र में है, जिसका प्रदेश भर में प्रभाव नहीं है, या जो बड़े नेता हैं वो उनके साथ नहीं है, मतलब वो अपनी सक्रियता कर रही है, लेकिन उनकी राष्ट्रीय तीन खेमे हैं, मतलब जी हाँ, मोटे तौर पे तीन माना जा सकता है, लेकिन प्रदेश की राजनीति में दो खेमा है, वो राष्ट्रीय राजनीति करती है। प्रदेश के खेमे में जो राज्य की राजनीति है, जो विधानसभा की राजनीति है, उनमें दो ही खेमे हैं, और सीएलपी से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष में बार बार एक खेमे को निराशा हाथ लग रही है, तो कहीं ना कहीं वो नाराजगी भी उनके बयानों में झलकती है, और ये भी लगता है कि अगर यहाँ पे पार्टी को रिवाइव करना है तो क्योंकि उनके पास अच्छे स्पीकर हैं, अच्छे एक्सपीरियंस्ड नेता हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए। चलिए, कॉन्फ्लिक्ट साफ तौर से नजर आते हैं। जी रमेश जी, आप संघ के बारे में बहुत बेहतर जानते हैं, जब भी सर संचालक का दौरा होता है अनुसांगिक संगठनों की मीटिंग तो होती है, अनुसांगिक संगठन बीजेपी है, लेकिन जब अलग अलग अनुसांगिक जो संगठन है उनमें अच्छा नहीं चल रहा होता तो क्या भागवत जी उनको भी कुछ सीख देंगे? ये मैसेज उन तक पहुंचा होगा। देखिए, मोटे तौर पर आपने शुरुआत में भी कहा और राजेंद्र तिवारी जी ने भी कहा कि संघ जो काम करता है वो राष्ट्र संस्कृति के लिए काम करता है जी। राष्ट्र की चिति के लिए, राष्ट्र की अस्मिता के लिए वो काम करता है। आम तौर पर ये जो दौरे अभी चल रहे हैं देशव्यापी, उनका दौरा है, मतलब थोड़ा सा रमेश जी थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा, वो भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा है। अच्छा, लेकिन अब आपने मुझे सुधारा है तो मैं आपको एक जानकारी में दे दूं, क्योंकि आप भी पढ़ने लिखने वाले हैं। दो राष्ट्रवाद की बात सबसे पहले सर सैयद अहमद ने 1887 में कही थी, और उनके भाषणों का अंग जो अंक है वो नेशनल बुक ट्रस्ट का प्रकाशन में है, और अभी हाल ही दिल्ली के एक पब्लिशर ने, शायद प्रभात प्रकाशन या किसी ने, जो चुनिंदा भाषणों का अंश निकाला है, उसमें चुनिंदा भाषण है करीब 30-35, उसमें गांधी जी का भी है, और उसमें भी सर सैयद अहमद का वो भाषण है। 1887 में उन्होंने बात कही थी। फिर 1906 में जब ढाका में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, तो उस समय जो कांग्रेस का, अंग्रेजों का जो प्रतिनिधि था संभवतः, उसने कहा था कि मुसलमानों को उनका राष्ट्र देंगे। यहाँ से द्वि राष्ट्रवाद का सिद्धांत चला। अंग्रेज का प्रतिनिधि तो, नहीं, मैं उसकी और बढ़ करके बताना चाहूंगा कि जो मंत्रिमंडल कलकत्ता में बना था, इस पर तिवारी जी कर लेंगे अपनी बात। श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी शामिल हुए थे। खैर, अब आप समय दीजिएगा, हम जरूर रमेश जी को भी बुलाएंगे, संजय जी भी समय देंगे, और निश्चित तौर पर उनकी यात्रा हो जाए। रमेश जी जैसे अच्छे लोगों को बुलवाइएगा जो जानकार हैं।
जी हम दोनों लोगों का शास्त्रार्थ करा देंगे। शास्त्रार्थ नहीं करना, वो तो मैंने जानकारी बताई कि सर सैयद अहमद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्र दुई राष्ट्र का सिद्धांत रखा 1887 में। चलिए आप अभी यात्रा पे, हम अभी क्योंकि संघ का जो काम रहता है वो राष्ट्र की अस्मिता के लिए वो आमतौर पर यात्रा करते हैं, तो उनकी दो बड़ी बैठकें साल में होती हैं, एक प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है और एक अधिकारी मंडल की बैठक होती है। तो जिन दो बैठकों में काम की समीक्षा होती है, तो जो पिछले वर्ष में लक्ष्य दिए गए होंगे सारे के सारे संगठनों को, एक तो सारे पदाधिकारी छत्तीसगढ़ में भी बोर्ड को जो उनके तमाम संगठन है, उनका मजदूर संघ भी है, उनका विद्यार्थी परिषद भी है, सेवा भारती भी काम करता है, जितने संगठन हैं उन सब के काम की समीक्षा होगी, एक बात। दूसरा, इस बात पर चर्चा हो सकती है कि कोरोना टाइम्स में उनकी सेवा भारती और उनसे जुड़े हुए संगठनों ने कितना वहां पर काम किया, दूसरा इस विषय पर बातचीत हो सकती है। तीसरा, वो ये भी कह सकते हैं कि कोरोना से निपटने के लिए सामाजिक सद्भाव बना रहे उसके लिए देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो गांव आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और गांव को आत्मनिर्भर बनाना है तो परिवार और समाज को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। बीजेपी के बारे में कैसे आत्मनिर्भर बने, वो ये भी अपने उनको दे सकते हैं। मैं भाजपा के बारे में पूछ सकता हूं, भाजपा के बारे में, भाजपा में चूंकि संघ का एक संगठन मंत्री रहता है, महामंत्री के रूप में संघ का एक अधिकारी उनके यहाँ रहता है, बहुत संभव है वो अधिकारी तो मिलने उनसे जाएंगे ही, बहुत संभव है कि जो वहां के प्रांताध्यक्ष हैं वो भी मिलने जाएं और वो भी उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। नीति विषयक पॉलिटिकल मामले पर संघ कभी भी कोई बात नहीं करता, भाजपा को क्या निर्णय लेना है नहीं लेना है, उनके यहाँ अगर झगड़ा चल भी रहा होगा नहीं भी चल रहा होगा, संघ इसमें बहुत ज्यादा अपना टांग नहीं फंसाता, वो जो है अपन उनके सिद्धांत की वो लोग बात करते हैं और संस्कृति की बात करके चले जाते हैं। और एक बात कहकर के मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ, संघ वालों पर ये बहुत आरोप लगाते हैं लोग स्वतंत्रता संग्राम, जो सर जिन्होंने संघ की स्थापना की है डॉक्टर हेडगेवार जी ने, वो 3 बार गिरफ्तार हुए और 2 साल की उनको जेल हुई स्वतंत्रता संग्राम में। वर्धा में अगर गोली चली है 1942 में तो नगर का सड़क निकाला था उसको जब तक कांग्रेस में थे, जब तक कांग्रेस में थे जनाब, कुल मिलाकर के जब तक कांग्रेस में थे तब तक सजा हुई, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा वो नहीं है, उसके बाद में नहीं हुआ। आप वो तो नागपुर, मैं एक कदम और आगे बढ़ रहा हूँ, नागपुर में नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के तो वो महामंत्री थे, तो जब तक कांग्रेस में थे चले चले तो शुद्ध थे। समय हमारा समाप्त, तिवारी जी बाहर गए, उसके बाद की लंबी श्रृंखला है। तिवारी जी अपने तय हो चुका है कि 1 घंटे का रखेंगे, जरूरत पड़ी तो 2 घंटे का रखेंगे, रमेश जी भी उपलब्ध रहेंगे, मुखर्जी जी ने इस्तीफा भी दिया था सुशीलकरण के नाम पर, जी 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 जी, संजय जी भी रहेंगे निश्चित तौर पर। मोहन भागवत जी की यात्रा होने दीजिए, जिस दिन यात्रा का समापन होगा हम इस मुद्दे पर बिल्कुल बात रखेंगे। और जैसा मैंने कहा है, हालांकि शर्मा जी बोला मुखर्जी ने क्या किया था थोड़ा सा बताएंगे, अब आप इतना इतना कम समय मत दिया करें चलिए, बहुत गंभीर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हम तो सिर्फ गुटबाजी की बात करने जा रहे थे, हम गुटबाजी की बात करने जा रहे थे, मामला संघ की तरफ चला गया, 1900 गुटबाजी की तरफ बात करने जा रहे थे। श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी को वो पढ़िए जी जी जी, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ये बताया क्या लिखा था, सरदार पटेल की बात कर रहा हूँ मैं, और ऑब्जर्वर में 29-30 नवंबर को जो लेख लिखा गया था जिसमें आपने ये कहा था कि संविधान की क्या जरूरत है, मनुस्मृति को शामिल किया जाना चाहिए, और मनुस्मृति लागू हो गया रहता तो संजय श्रीवास्तव जी मेरे सामने अभी बात नहीं करते। चलिए फिर तो सर, सर, वो आता ना तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, अति प्रभुताई तिवारी साहब, जो तुम्हें दे रहा है तिवारी साहब, इस विषय के लिए अपना तय हो गया है, मध्य प्रदेश का डिस्कशन है, मुझे नहीं मालूम था, हम तो गुटबाजी की बात करने जा रहे हैं, हम सोच रहे थे बीजेपी में जो गुटबाजी चल रही है उसका कुछ खुलासा आप करेंगे, आप तो इतिहास का खुलासा करने लगे जी, बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस में है जी, नहीं वो देश हित की जब बात करते हैं ना तब उसको हंसी आती है। चले चले, मेरा आग्रह ये है कि कम से कम देश हित की बात, राष्ट्रवाद की बात आरएसएस के लोग ना करें, भारतीय जनता पार्टी के लोग ना करें। चले तिवारी साहब, हमारा समय ज्यादा हो गया, मध्य प्रदेश के भी हमारे गेस्ट आ चुके हैं, लहू की जरूरत थी तो सबसे पहले कदम हमारी करेंगे, राहुल गांधी सोनिया गांधी करेंगे उससे, ये अरे सर ये बात कहीं और चली गई, तुम्हारा ने
चले चले कहीं और बात चली गई, मेरे मध्य प्रदेश के भी गेस्ट आ गए हैं, मध्य प्रदेश का भी मुद्दा है, यहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, संजय जी आपका, रुपेश जी आपका, हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि संघ प्रमुख को प्रदेश की जनता को ये भी बताना चाहिए कि बीते 15 साल से संघ के अनुसांगिक संगठन और संघ के स्वयं सेवक पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उसके बावजूद भगवान राम के वन पथ गमन के मार्गों को और उसमें आने वाले पवित्र स्थलों को क्यों नहीं संभाले। सत्ता पक्ष का ये सवाल कहीं न कहीं जायज है। ऐसे में देखना होगा कि जब मोहन भागवत रायपुर पहुंचेंगे तो क्या वो कांग्रेस के तमाम सवालों का भी जवाब देंगे, या फिर वो जिस उद्देश्य से जा रहे हैं सिर्फ उसी पर उनका फोकस रहेगा। उसे भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा बीजेपी के लिहाज से अहम माना जाएगा। देखते हैं संघ प्रमुख के दौरे से प्रदेश बीजेपी की तस्वीर बदलती है या नहीं।